नीट की परीक्षा के दौरान प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थियों के परिवहन की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस बीच हाड़ौती समेत प्रदेश के बस मालिक संघ अपनी मांग पर अड़ गए हैं। बस मालिक संघ अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा है कि हम अपनी बसें केवल कॉमर्शियल रेट पर देंगे और सरकार ने अगर जबरन अधिग्रहण का प्रयास किया तो हम चक्का जाम को तैयार हैं और इस बार प्रदेश में ऐतिहासिक आंदोलन करने के लिए हमने तैयारी कर ली है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के परिवहन की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। जिस दर पर राजस्थान रोडवेज राजस्थान के निवासियों को शादी पार्टी बारात में गाड़ी किराए पर देते हैं, उसी दर पर हम बसें देंगे, अन्यथा कोई बस नहीं देंगे। अगर चुनाव की दर पर बसें लेने की कोशिश की राजस्थान सरकार ने और किसी बस ऑपरेटर पर दबाव डलाया तो हम राजस्थान के 30,000 बस मालिक, जो 30,000 बसों के मालिक हैं, वो हम चक्का जाम कर देंगे। राजस्थान को ऐतिहासिक बंद का आह्वान कर देंगे, जिसको राजस्थान सरकार निकट भविष्य में याद करेगी। हमने हर मोड़ पर हर जगह राजस्थान सरकार का साथ दिया है।